तो हाल ही में फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है सभी यूजर्स के लिए। ये पहले सिलेक्टेड कंट्रीज के लिए था, बट ये अब वर्ल्ड वाइड सभी के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो इस फीचर में आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के जो फोटोज जो वीडियोज हो जो आप अपलोड करते हो या शेयर करते हो, उस फोटोज वीडियोज को आप अपने गूगल फोटोज में गूगल के ड्राइव में आप सेफली बैकअप करके रख सकते हो। कैसे करते हैं सेटअप को मैं टोटली इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, कैसे सेटअप को करते हैं, वीडियो का आखिर तक देखते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोरी, आप देखिए सोरी मित्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आपको अपने फोन के फेसबुक ऐप को ओपन करना होगा। तो फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको ऊपर एक साइड बार का ऑप्शन है, उसके ऊपर सिंगल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के लिए आप देख सकते हैं स्लाइड डाउन कीजिए, आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर सिंगल क्लिक कीजिए। तो सिंगल क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा, इसको आप स्लाइड अप कीजिए और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर योर फोटोज़ का, एक ऑप्शन मिलेगा आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन के ऊपर आप सिंगल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड को एंटर करने का बोलेगा, मैं पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ, स्टेप को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन के ऊपर लाइव देख सकते हैं। इधर आपको डेस्टिनेशन चूज़ करने को बोलेगा, मतलब कहाँ पर आप कॉपी करना चाहते हो। तो मैं गूगल फोटोज़ को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद क्या आप अपलोड करना चाहते हो, फोटोज़ या वीडियोज़, तो मैं फोटोज़ को चूज़ करके मैं सेव क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड को साइन इन करने को बोलेगा। तो मैं ईमेल आईडी पासवर्ड को साइन इन करके स्टेप को भी स्किप कर देता हूँ और फिर से ये आपको परमिशन मांगेगा अलाउ करने को, ठीक है। तो अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद फिर से आपको अलाउ का परमिशन मांगेगा लाइब्रेरी ऐड करने के लिए आपके गूगल फोटोज़ में, आप अलाउ कर दीजिए। तो अलाउ करने के बाद आपको कंफर्म का एक ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद एक नया रिक्वेस्ट लॉन्च हो जाएगा, आपका जो एक रिक्वेस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा कि आप अपने फोटोज़ को गूगल फोटोज़ में ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लॉन्च करने के बाद ही आपका जो बैकअप है कुछ देर बाद वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस को यूज़ करके आप फिर से सेटिंग्स पर जाइए, ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट टाइम आपको ईमेल को एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ फेसबुक का पासवर्ड को एंटर करने के बाद ही आपको फिर से आप क्या बैकअप करना चाहते हो डेस्टिनेशन चूज़ कीजिए, फिर वीडियोस को चूज़ कीजिए। वीडियोस को चूज़ करने के बाद कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से रिक्वेस्ट लॉन्च हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। अपने फेसबुक के फोटोज़ वीडियोज़ को भी बैकअप कर सकते हो गूगल के फोटोज़ में, आप कोई एक्स्ट्रा जो डेटा या कोई एक्स्ट्रा चार्ज की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा फीचर है, बैकअप भी हो जाएगा, आपका फेसबुक अकाउंट अगर खो भी जाता है तो सारे फोटोज़ आपको फिर से गूगल के द्वारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखना, तो ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास मिल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।